हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भई आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। एक बार स्टाइल से आप ज़रूर बनाइए। देखिए, मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और काली मिर्ची। और भई ये मैंने लिए 8 से 10 काजू और लहसुन साबुत, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, 2 बड़े साइज़ के प्याज। चलिए, अब हमने ले लिया है एक पैन, पैन को हम गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। और जब तक तेल गरम हो रहा है, भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और भाई तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए हमारे तेल में। तो चलिए, तेल हमारा गरम हो चुका है और भाई अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची, लौंग और इलायची। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लहसुन और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, मैंने इनको हल्के हल्के हाथ से फ्राई कर रहे हैं ताकि इनमें जो कच्चेपन की स्मेल ना रहे और हमारी सब्ज़ी अच्छी और टेस्टी बने। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं काजू, और काजू हमें बाद में ऐड करने हैं, नहीं तो ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो जल जाते हैं, इसलिए पहले लहसुन को फ्राई करें उसके बाद हमें इसमें काजू ऐड करने। देखिए, काजू हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज भी मैंने रफली चॉप कर रखी है, इनको मोटे मोटे साइज में काट के हमें इनको हल्का सा ब्राउन करना है प्याज को भी। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, ये मैंने सूखी लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है इसमें, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इनको। ये देखिए, प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो 2 टमाटर बड़े साइज के हमने लिए थे उनको भी मैंने बड़े साइज में काट लिया है। और अब इनको भी हम हल्का सॉफ्ट होने, अच्छी और टेस्टी बनती है, एक बार इस स्टाइल में ज़रूर बनाना। ये देखिए, हमारे टमाटर हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको मैं साइड में अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे हैं, मैंने पनीर और मटर छील लिए थे और पनीर काट के गर्म पानी में डाल दिया था। और मैंने ले लिया एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल, तेल हमारा गर्म। जब तक हमारी प्याज भुनेंगे, हम इनको हल्का ब्राउन करेंगे। और भाई जो मसाला हमने पहले भुना था टमाटर प्याज का, उसको मैंने मिक्स में ब्लेंड कर लिया था, उसकी एक प्योरी बना ली थी मैंने। ये देखिए, हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्योरी हमने बनाई थी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और काजू की ये प्योरी भी हम इसमें। इसको जो प्याज और डाली है उसके साथ और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तेल है वो अलग से ना दिखे, अच्छे से घुल मिल जाए। ये देखिए, हमारा अच्छे से घुल मिल गया है इसमें ये तेल, और ये थोड़ा सा और पक जाएगी। पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा टेस्ट के लिए जैसे कलर आए उससे, और भाई हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच,
इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्ची भी ऐड की थी इस वजह से। और ये मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है खटाई, हल्का सा खट्टापन रहे, क्योंकि टमाटर हमारे इतने खट्टे नहीं थे इस वजह से। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई खटाई नहीं खाता तो ना डाले। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और देखिए तेल साइड से छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें मटर। मटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मटर पक जाएं हल्के से। मटर डालने के बाद भाई अब इसमें मैं ऐड करूंगी पनीर। ये देखिए मैंने पनीर के टुकड़ों को भी इसमें ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे पनीर में जा सके अच्छे से। इनको थोड़ी देर चलाएंगे। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि जो पनीर और मटर है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैंने इसको हटा दिया है और देखिए ये भी मसालों के साथ अच्छे से, जो मसालों की खुशबू है वो पनीर में जा सके अच्छे से। और अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें पानी, हल्का सा गर्म पानी डाला है मैंने। ये देखिए अब इसको अच्छे से चला देंगे। ग्रेवी को अगर आपको और थोड़ी पतली करनी है तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं। और इस इतनी रखनी है आपको ग्रेवी तो ऐसी भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर मसाला, या फिर कोई गरम मसाला हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास पनीर का मसाला था, मटर पनीर, वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको चलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के फिर रखेंगे ताकि जो हमारे गरम मसाले की खुशबू है वो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो सके और अच्छी सी खुशबू आ सके। ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। इस हमारी सब्जी बनके रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।